हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा और आज जो मैं आपको वीडियो करवाने वाली हूँ गाइस, वो दो डिजीज हैं, दो टाइप्स ऑफ डिजीज हैं, जैसे कि एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यही है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज। अब ये समझाने से पहले थोड़ा सा मैं प्लेटफॉर्म सेट कर देती हूँ, मीन्स की थोड़ा बेस बना देती हूँ कि किस तरीके से आपको समझ में आ सकता है ये अच्छे से। तो सबसे पहली चीज आती है डिजीज। डिजीज हम कब बोलते हैं, जैसे कि आपको कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपकी बॉडी पे क्या कर रहा है, इफेक्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ही हैवी सी लैंग्वेज हो गई ना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई ऐसी चीज जो आपको आपकी बॉडी को परेशान करने लग जाए या आप उससे इरिटेट होने लग जाते हैं, ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम डिजीज की टर्म्स में लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं बच्चे, वो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी कर सकते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है, सिर्फ इतनी चीज मैं समझाना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको एग्जाम्पल लीजिए, आपको कोल्ड होता है तो क्या है, आप एक फिजिकली फिट पर्सन है, आपको कोल्ड होता है या कोई ऐसी टाइप की डिजीज होती है तो उससे आपकी बॉडी पे क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो डे टू डे लाइफ के टास्क होते हैं, जो आपको काम करने होते हैं, उन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, बॉडी में हेल्दी नहीं है आप, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप वो कामों को नहीं कर पाते हैं जो आपके डे टू डे लाइफ के काम होते हैं, उस पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज, मूड जो है ना वो बहुत ही इरिटेटेड सा रहता है, मतलब कि आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड रहते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं, मतलब इसमें क्या है, आपकी बॉडी जो है ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपकी बॉडी पे इसका क्या आता है, इफेक्ट आता है। क्योंकि अगर कोई काम आपको करना है और वो काम आप किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं और आपको पता है कि वो मजबूरी है, वो करना ही करना है, स्टिल आप वो काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, हम ना इरिटेट हो जाते हैं कि ये काम क्यों नहीं हो पा रहा है। फिर ब्लेम भी हम किसी को नहीं कर सकते क्योंकि गलती भी उस टाइम पे आपकी खुद की होती है। तो खैर, ये साइकोलॉजी की क्लास नहीं है, मैं ज्ञान नहीं बांटूंगी। कम टू द टॉपिक, ये जो डिजीज है ये यही है कि आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट डालती है आपकी बॉडी के ऊपर। सो इसमें दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंड सेकेंड वन इज क्रॉनिक डिजीज। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे और इसलिए आपको अगर मतलब अभी तो नहीं, बट हाँ जब वीडियोस में जब ये टॉपिक्स को आप सुनेंगे और समझेंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। नाउ एक्यूट डिजीज के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट डिजीज है, वो है क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज क्या होती है? सो गाइज, क्रॉनिक डिजीज में क्या है, जैसे कि कुछ हमारी ना बहुत ही गंदी वाली हैबिट्स होती हैं। हमारी का मतलब ये नहीं कि मैं अपने की बात कर रही हूँ, किसी की भी हो सकती है, बहुत से लोगों की होती है, आसपास में आपको ऐसे टाइप में देखने को भी मिल जाते हैं। तो जो क्रॉनिक डिजीज है ना, इसका सबसे बड़ा जो लॉस है, सबसे बड़ा जो नुकसान है, वो ये कि ये क्योरेबल होती भी है और नहीं भी होती। इसका मतलब ये है कि या इनका इलाज होता भी है और नहीं भी हो सकता। दूसरी चीज, जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, जैसे कि टोबैको हो गया, तंबाकू या फिर अल्कोहल, ऐसी चीजें, एक होता है लिमिट में लेना और एक होता है लिमिट से ज्यादा, जैसे कि पी के कहीं पे भी आप पड़े हुए हैं, लहराते हुए कहीं पे भी चल रहे हैं, झूमते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो मजाक नहीं, कम टू द टॉपिक। यहाँ पे क्या है कि जो क्रॉनिक डिजीज है ना, इनमें ऐसी डिजीज आती है जो हम स्टार्टिंग में जब करते हैं ना, तो वो क्या है, धीरे धीरे आती है ये। प्लस इसके जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही माइल्ड से होते हैं, जैसे हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उसको सीरियसली नहीं लेते। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में क्या होता है, जो वो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं ना, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, और उसके बाद में उसका क्योर हो पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सेम चीज क्रॉनिक डिजीज में क्या है कि ये, अभी मैंने आपको बताया इसके स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही कॉमन, बहुत ही स्लोली माइल्ड से होते हैं, ज्यादा हैवी से सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग में ही क्योर कर लें तो आपको ये क्रॉनिक डिजीज हो ही ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक्यूटी है और उसको इग्नोर करके हम उस बीमारी को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। दूसरी चीज, मैंने आपको बताया कि अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसमें टोबैको है, अल्कोहल है, या फिर कोई और टाइप का ड्रग्स है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं जो हमारी बॉडी को, जिसकी हैबिट पड़ जाती है, उसके बाद में ये डिजीज होने के चांसेस होते हैं। नाउ क्रॉनिक डिजीज की पहले डेफिनेशन मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या मैंने लिखा है।
डिजीज विच डेवलप स्लोली, क्या होता है ये स्लोली होती है, कोई भी बीमारी होती है ना पहले थोड़े से ही सिम्टम्स होते हैं, अगर हम उसी टाइम पे सीरियस होके उसकी केयर कर लें, उसको क्योर कर लें कि क्या ये सिम्टम्स जो है ये इससे क्या बीमारी बढ़ सकती है, अगर थोड़ी बहुत नॉलेज में हम लोग रखें तो ज्यादा वो बीमारी बढ़े ही ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। कई बार टाइम ऐसा हो जाता है या सिचुएशन ऐसी हो जाती है हम उसकी उस पर ध्यान नहीं दे पाते, या फिर कई बार हमारी हरकतों की वजह से भी वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि स्टार्टिंग में क्या है वो स्लोली थी लेकिन एक टाइम के बाद में क्या है वो बढ़ती चली जाती है। अब वो जो टाइम है ना वो वन मंथ्स का भी हो सकता है, कुछ महीनों तक वो बीमारी चले, कुछ सालों तक, और ये भी हो सकता है कि टिल डेथ, मतलब कि पूरी लाइफ भी वो बीमारी आपकी बॉडी में रह जाए और आप सिवाय उस बीमारी उस डिजीज से फाइट करने के अलावा आप कुछ कर ही ना पाए, ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो ऐसी जो डिजीज होती है उन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है ये क्या है, इट्स अर्ली स्टेज आर माइल्ड। मैंने अभी आपको बताया है कि स्टार्टिंग के जो स्टेज होता है, स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं इसमें बहुत माइल्ड होते हैं और टाइम के साथ धीरे 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 वो क्या होते हैं, बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल क्या है, हेपेटाइटिस सी है, एचआईवी है, और एचआईवी एड्स की आपको मुझे कमेंट में फुल फॉर्म बतानी है क्या होता है और क्या इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको यहाँ पे ना दो डिजीज दे दी हैं, अब ये क्या है ये क्योरेबल भी हो सकती है, मैंने आपको बताया क्रॉनिक डिजीज जो है ना ये क्योरेबल, इसका कोई इलाज हो भी सकता है और कई ये लाइलाज होती है, मतलब कि इनका कोई इलाज नहीं होता, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि आप टैबलेट्स लो, मेडिसिन लो और लाइफ आपकी चलती जाए, और कई सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है, इतनी ज्यादा डेंजरस हो जाती है कि उसमें डेथ के अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। सो क्रॉनिक डिजीज क्या है, इन्हें हम बढ़ा देते हैं, जब बीमारी बढ़ जाती है तो उस टाइम पे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्रॉनिक डिजीज। गाइज इसका एग्जांपल नॉर्मल खांसी है, कॉमन कफ जो है, जो आप उसको अगर स्टार्टिंग में अवॉइड करते हैं तो धीरे धीरे वो बढ़ता बढ़ता टीबी में कन्वर्ट हो जाता है और वो बहुत ही मैसिव डिजीज बन जाती है। सो इस चीज में ये क्या है, ये एक सोशल मैसेज भी है कि अगर आपको थोड़ी बहुत डिजीज है, थोड़ी बहुत बीमारी है, तो उसको आप उसका आप ध्यान रखिए और उसको ऐसे ही लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कुछ भी अपने आप में नहीं होता है, जो भी हमारी लाइफस्टाइल होती है, जो भी हम करते हैं ना, उसी से ही उन्हीं के सिम्टम्स होते हैं, उन्हीं की वजह से ये डिजीज होती है, या कुछ ऐसा आपके साथ जो भी होता है ना वो आपके कर्मों से ही होता है। खैर ये मैंने ज्यादा ज्ञान बांट दिया, वेल ये हमारा टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज का मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही थी कि अगर पूछा जाए एग्जाम में आता है तो एक्यूट डिजीज वो होती है जो एक पर्टिकुलर टाइम में ही ठीक हो जाती है, एकदम से होती है और छोटे से टाइम पीरियड में वो ठीक हो जाते हैं विद इन अ डेज और वीक। अगर क्रॉनिक डिजीज पूछी जाए तो क्रॉनिक डिजीज में ऐसा नहीं होता है, ये स्टार्ट धीरे धीरे होती हैं, क्योंकि कुछ सिम्टम्स इसके ऐसे होते हैं जो हमें स्टार्टिंग में पता भी नहीं चलते और जब हमें पता चलता है तो काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, और कैंसर भी इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्रॉनिक डिजीज काफी लंबे टाइम तक रहती है, मंथ्स तक, ईयर्स तक, और कई बार ऐसा भी होता है कि लाइफ लॉन्ग रह जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे क्रॉनिक और एक्यूट के बताए हैं, तो आपको एग्जाम्पल प्लस इसकी डेफिनेशन, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, किससे ये होता है, ये सारे कुछ पॉइंट्स से जो मैंने वीडियो में समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अगेन 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 मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और सबसे बड़ी बात इतना मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आपका सपोर्ट बना रहा ना तो ये चैनल बहुत 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 ही अच्छा सा रन हो जाएगा और बहुत जल्दी यूं आ जाएगा एकदम से ऊपर से। ओके नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, दुश्मनों सब में जहां तक आप शेयर कर सकते हैं वहां तक इन वीडियोज को शेयर किया कीजिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।